नहीं कर सकते हैं, कोई काफी मुश्किलात हैं, तो मैं चाहती हूँ राशन तो हम दे रहे हैं मगर कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो अंधधुआ फैमिलीज हैं, जो बेचारे दिन में काम करते हैं, मजदूर है, रेडी वाला है, सब्जी बेचने वाला है, शाम को बच्चों को खिलाता है, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं इन फैमिलीज के लिए? हम जो राशन जो है इस वक्त एक्स्ट्रा दे सकते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन का? तो अभी मैंने रेड क्रॉस वालों को बुलाया है, हम लोग कोई 1000 फैमिलीज के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैकेज बना रहे हैं, यहाँ पर 4 फैमिलीज वी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, तो उनके लिए हम पैकेज बना रहे हैं, कोई सी दाल चावल वगैरह, चाय वगैरह, मसाला वसाला, मेक पैकेट सम बिस्किट्स किड्स ऐसी है जिसमें आप कहते हैं पैकेट बना के जिसमें चावल हो, दाल हो, वट एवर बिस्किट हो, तो इसको आप मोहल्ला कमेटी के जरिए डिस्ट्रीब्यूट, मोहल्ला कमेटी के थ्रू करेंगे मोहल्ला, और ये यहाँ ही नहीं, मुझे लगता है ये पूरी वादी में आपको देखना पड़ेगा, जहाँ भी खासकर टाउन्स में बहुत इस किस्म की दिक्कत आती है, जहाँ लोगों को राशन की दिक्कत है देना नहीं, एक तो राशन, दूसरा जो बेचारे दिन को मजदूरी करता है शाम को बच्चों को खिलाता है, थोड़ा कूपन फंड्स मिल जाए वैसे हम रेड क्रॉस भी अरेंज करेंगे, 4-5 लाख रूपये मिल जाता है या आप लिखेंगे, क्योंकि अभी तो 11 दिन से तो कोई बेचारा कोई रेडी वाला नहीं है, मजदूर मजदूरी नहीं कर पा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि इसमें आपको खास, और दूसरा ये जो हमने कल भी आपसे कहा था जो ये एग्जाम है नीट का 24th को है, सारे डीसीज को वो 60 दिन की फैसिलिटी भी देंगे, तो फिर वो कहने लगे नहीं वो सारा ठीक है, उनको इनविजिलेशन स्टाफ की दिक्कत आ रही थी, तो दोनों स्कूल जो डीपीएस बडगाम और डीपीएस जो पंपुर वाला है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा स्टाफ छुट्टी पे चला गया तो हम नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कहा वो ऑप्शन क्या देख रहे हैं, तो शायद दोनों सेंटर जो है क्योंकि ये 1750 के बच्चे हैं, तो इनको जो सेकेंड ऑप्शन जो था सेंटर वो जम्मू में, तो वो उनको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा देखिए मेरा ख्याल में जम्मू फिक्स चलता है, लेट अस नॉट डिपेंड ऑन दैट, कि यहाँ से बच्चे आप जम्मू यहाँ कुछ कर लीजिए, जो भी सेंटर्स हैं, जो भी स्कूल्स हैं, यहाँ के बच्चे यही नीट का एग्जाम देने चाहिए, उसके लिए जैसा भी जो भी कुछ करना पड़े फैसिलिटेट कर दीजिए, आज हमको यात्रा को फैसिलिटेट, सामान जो आता है खाने पीने का उसको फैसिलिटेट करने में हमें दिक्कत हो रही है, तो ये बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे जम्मू इस एग्जाम देने के लिए नीट का, इसलिए 24 जुलाई मेरे ख्याल में इनका है, उनके फॉर्म्स डाउनलोड करके जो भी स्कूल्स हैं इट इज देयर ड्यूटी, यहाँ से बच्चे जम्मू चले जाए नीट के लिए आई डोंट थिंक दैट इज फीजिबल, यहाँ अरेंजमेंट कर लीजिए, अगर डीपीएस वाले तैयार नहीं होते हैं कोई और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर लीजिए, हमारे पास टीचर्स हैं, बाकी लोग अवेलेबल हैं, स्टाफ है, पर बच्चे स्टूडेंट्स हमारे सफर भी कर रहे हैं, इसको देखना नहीं, इसको देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रहा, आज 20 तारीख है, 3-4 दिन और ये डीसी साहब को बोले वो फॉर्म वगैरह जो है डाउनलोड करके इंस्ट्रक्शन और रेडियो में आना चाहिए कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल होंगे, तो ताकि बच्चे इसमें अपियर हो सके, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होती है, इधर ही जो भी कुछ करना पड़े नाउ इट इज योर ड्यूटी, इंश्योर करें कि हमारे बच्चे यही सेफली एग्जाम दे दें, चाहे वो डीपीएस हो कहाँ हो, दिस इज नाउ योर ड्यूटी की 24 तारीख का हमारे बच्चे, चाहे आपको उनको गाड़ियां भेजनी पड़े जो भी उनको अपने इलाके से लाने के लिए, रात को ही मेरे ख्याल में आ जाते हैं सारे, इनका ये एग्जाम में कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए।